गाइस, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज माय फर्स्ट वीडियो. आई एम विजेता फ्रॉम पटना एंड आई एम अ गर्ल जस्ट लाइक यू ऑल. आई एम नॉट अ फैंसी गर्ल. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बहुत टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे स्किन का टाइप क्या है. ठंडी में बहुत ड्राई और गर्मी में बहुत ऑयली. And especially on the T zone, first thing that we do is washing our face. So, सबसे पहले बात करते हैं क्लींजर की. I use Himalayan का neem face wash. Purifies the skin in all skin types, and this is really very good. If you have acne, pimples problem, everything can go with this. This is for all skin type. And the second face wash that I use is Aroma Magic Neem and Tea Tree Face Wash. This is for acne control and oil balancing. And I use this only in summer. Iski consistency bahut thin hai. फेस वॉश के बाद मैं लगाती हूँ टोनर एंड दिस इज ऑफ गुड वाइब्स विटामिन सी ग्लो टोनर. मैं इसे रात में प्रेफर करती हूँ मोस्टली बिकॉज सनरेज से ये रिएक्ट ना कर जाए इस डर से. इसे अप्लाई करने से पहले मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपने फेस पे इसे अप्लाई करती हूँ जस्ट लाइक दिस. और इसे सूखने देंगे. दोनों हाथों से मैं टैप करती हूँ. इसे नेचुरली ड्राई होने देंगे. तो मेरा टोनर ड्राई हो चुका है और अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर विच इज पॉन्ड्स का. इसमें है हाइरोनिक एसिड. मुझे बोले भी नहीं. इसमें है हाइरोनिक एसिड विद विटामिन ए. मैं अपने फेस पे सीधे नहीं घिसती, हाथों में लगा लूँ. उसके बाद मैं अंडर आईज के लिए मैं प्रेफर करती हूँ ये मामाअर्थ बाय बाय डार्क सर्कल्स. इसका बहुत ही जेंटल अमाउंट पी साइज. फॉर लिप्स आई एम यूजिंग बोरोलिप. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा ही थिक है. अगर आप बाहर जा रहे हो तो बहुत ही थोड़ा अमाउंट यूज़ कर सकते हो. अगर आप घर पे हो सोने के टाइम तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से यूज़ करके पूरे. अगर आप रात में इसे लगा के सोते हो आप पूरे दिन आपको कोई भी लिप बाम की ज़रूरत नहीं होने वाली. द लास्ट थिंग इज़ अप्लाइंग सनस्क्रीन. मैं यूज़ करती हूँ एक एरोमा मैजिक का एलोवेरा सनस्क्रीन जेल SPF 20 जब मैं घर पे रहती हूँ. एंड अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अप्लाई करती हूँ न्यूट्रीजिना अल्ट्रा सीयर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50+. तो आप भी अपनी चॉइस पे कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि घर में आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे धूप बहुत कम आती है तो यू कैन अप्लाई जिसका SPF कम हो. और बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा SPF का लगाओगे. तो मैं अभी घर पे हूँ तो आई एम जस्ट अप्लाइंग एरोमा मैजिक एंड द सेम प्रोसेस. इसे बस अपने हाथों में घिसना है और उसके बाद अपने फेस पे. तो देखा आपने, कोई भी फैंसी प्रोडक्ट नहीं था. सबसे पहले आपको अपने फेस को किसी भी जेंटल फेस वॉश से वॉश करना है. उसके बाद उस पर pH बैलेंस करने के लिए टोनर लगाना है. देन मॉइस्चराइज योर फेस. यूज एनी अंडर आई क्रीम. लिप्स के लिए कोई भी लिप बम. और सनस्क्रीन इज मस्ट. इफ यू गाइस थिंक दैट माई वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज लाइक टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.